से हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री रेशो। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं क्या करूँगा, आपकी आर एस अग्रवाल, एन सी आर टी और अदर बुक्स के क्वेश्चंस कराने के सॉल्व करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा आपको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको आज के दिन हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूले हैं और हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले फॉर्मूले हैं, कुछ इसके फॉर्मूले हैं, क्या ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। सेकंड फॉर्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। थर्ड फॉर्मूला, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे जो आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन करने में सहायता करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला फॉर्मूला आता है आपका tan थीटा। आपको क्या करना है, इस tan थीटा को ब्रेक करके लिखना है। तो tan थीटा के कुछ फॉर्मूले हैं, तो देखिए tan थीटा को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉट थीटा। tan थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, उल्टा, ठीक है, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिफ्थ फॉर्मूला है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या आप इस चीज को क्या कह सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला आता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन साइन थीटा। सेवन्थ अगला आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। आया कुछ समझ में, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और वन अपॉन कॉट। चौथा फॉर्मूला है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू वन अपॉन टेन। या तो आप इस चीज को ये लिखें या इस चीज को आप ये लिखें, वो हम डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन। अगला आता है सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ आपके आते हैं टेबल वैल्यू आती है, टेबल वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू, हाउ कैलकुलेट टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए, टेबल वैल्यू में सबसे पहले आप बनाना सीखेंगे उसको, आप उसको याद नहीं करेंगे, आप उसको रट्टा नहीं मारेंगे, आप उसको समझेंगे और समझने के कारण आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपके पास कुछ एंगल होते हैं जो आपको गिवन होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपके 5 एंगल होंगे आपके पास गिवन। वो कहेगा कि इनकी वैल्यू निकालें, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, या आपने यहाँ पे क्या लिख दी, कुछ आइडेंटिटी लिख दी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखिए कैसे टेबल बनाएंगे, आप यहाँ पे लिखें 0, 1, 2, 3, 4, ये लिखा। अब जो लास्ट में 4 लिखा है, इस पूरी को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसका आप क्या करते हैं, अंडर रूट कर दे, ये हमने इसको क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब इसका अंडर रूट सोल्व करें, तो 0.4 कितना होगा, 0, और उसका अंडर रूट कितना हो गया, 0। इतना समझ में आया। अगला 1/4, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2,
यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2। यानी साइन 0 अगर पूछेगा तो आपको आंसर क्या देना है, 0 देना है। अगर वो आपसे पूछे साइन 30 तो आपको आंसर कितना देना पड़ेगा, 1/2। ऐसे इसका इसको सोल्व करें, 1/2 आ गया, और 1/2 का अंडर रूट 1 का 1 और 2 का अंडर रूट कितना हो गया, 1/√2, क्योंकि 2 का अंडर रूट नहीं होता तो अंडर रूट 2 में आ गया। इसका 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 4 से 4 कट गया 1 और 1 का अंडर रूट 1। ठीक, आई होप इतना समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा में आप क्या करें, यहां से इस चीज को 1 को पकड़े और यहां पे ले आए और इसको कहां पहुंचा दे, लास्ट में पहुंचा दे। तो 1 पकड़ा यहां पे आ गया, ये वाला आपका यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे आ गया, ये वाला उठकर कहां चला गया, यहां पे चला गया, ये वाला उठकर कहां चला गया आपका, 0 चला गया। आई होप इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा है, sin / cos, देन ये वाली वैल्यू / ये वाली वैल्यू। तो करते हैं, 0/1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, ये / ये कितना हो गया, इससे 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 1/ √3 बच गया। इससे √2 से √2 कट गया, क्या बच गया, 1। इसमें क्या हुआ आपका, 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बच गया, √3/1। अब 1 को हम लिखते नहीं, ये आ गया। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, इन्फिनिट आता है। आया समझ में। अब देखिए हमें क्या निकालना है, cot थीटा। cot थीटा का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, या तो cos / sin कर दे या tan का उल्टा कर दे। ठीक है, तो देखिए ये वाली वैल्यू यहां से पकड़े और यहां पे लिख दे और ये वाली वैल्यू इधर लिख दे, तो कितना आ गया, इन्फिनिट। ये कितना आ गया, √3। ये वाला यहाँ पर, ये वाला इधर आ गया और ये वाला यहाँ पर कितना आ गया, 0। आया समझ में। अब बात करेंगे हम sec थीटा। sec थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/ cos, ये जो cos वाली वैल्यू है उसको आप क्या कर दे, उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे। तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। इसका उल्टा कितना होगा, 2/√3। इसका उल्टा कितना होगा, √2/1, 1 हम डिनोट नहीं करते। इसका उल्टा कितना होगा, 2 अपॉन 1, 1 को डिनोट नहीं करते। इसका उल्टा कितना होगा, 0/1, यानी 0। आया समझ में। अब हमें पर किसका बात फाइंड करना है, cosec थीटा का फाइंड करना है। तो cosec थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 1/ sin, यानी जो sin वाली वैल्यू है उनको आप क्या कर दे, उल्टा कर दे। तो 0 का उल्टा कितना होगा, इन्फिनिट। क्यों, 1/0 लिखो तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिट होता है। ये वाला कितना होगा, 2। ये वाला कितना होगा आपका, √2। ये कितना होगा आपका, 2√3 होगा। ठीक है, और ये कितना होगा आपका, 1। ये वाला आपका 1। ठीक है, आया समझ में। तो ये वैल्यू आ गई, सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, एक टेबल फॉर्म करनी। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई हो, कुछ फॉर्मूले समझ में आए। आने वाली वीडियोस में हम इसको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।